आईपीएल के हर सीजन से पहले कुछ खिलाड़ी काफी ज्यादा चोट का शिकार हो जाते हैं, जिसके बाद वो आईपीएल के पूरे सीजन से बाहर हो जाते हैं और फिर टीम्स को उनकी रिप्लेसमेंट बुलानी पड़ती है। ऐसे ही कुछ केसेस के बारे में हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको काइल जेमिसन के प्रोबेबल रिप्लेसमेंट और प्रशस्त कृष्णा जैसे तेज गेंदबाजों के रिप्लेसमेंट के बारे में बताया था। लेकिन उसके बाद अब दूसरी टीमों के फैंस भी काफी ज्यादा परेशान है अपनी अपनी टीम के लीड गेंदबाजों को लेकर, क्योंकि क्या वो आईपीएल 2023 के लिए अवेलेबल होंगे, क्या सारे मैचेस खेलेंगे, चाहे आप बुमराह की बात करो, हेजलवुड की बात करो, दीपक चहर की बात करो। तो इन तीनों के बारे में जो सिलसिलेवार अपडेट आई है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, और साथ ही मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा कि अगर ये खिलाड़ी पूरी तरीके से फिट नहीं होते हैं या फिर अपने पीक परफॉर्मेंस पर नहीं होते हैं या कुछ मैचेस मिस करते हैं तो इनकी टीम्स क्या स्ट्रेटजी अपना सकती हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन के बाद से ही लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर की जोड़ी को एक साथ मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए देखने के लिए। लेकिन जहां जोफ्रा आर्चर ने साउथ अफ्रीका टी20 लीग से मैदान में वापसी की, वहीं जसप्रीत बुमराह की एक लंबी इंजरी ले ऑफ के बाद फैंस की चिंता थोड़ी सी बढ़ गई है कि क्या जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस के लिए अवेलेबल होंगे, और अगर वो अवेलेबल होंगे तो क्या वो पूरे 14 मैचेस खेलेंगे। देखिए, काफी सारे सीनियर क्रिकेटर्स और काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स अपनी राय इस मामले पे दे रहे हैं कि क्योंकि इस साल भारत को 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना है और BCCI भी अब एड़ी चोटी का जोर लगा करके वर्ल्ड कप जीतना चाहता है, बिकॉज बोर्ड को भी कहीं ना कहीं फैंस के गुस्से का शिकार होना पड़ता है जो खिलाड़ी मैदान में अच्छा नहीं करते। तो ये भी खबरें निकल कर की आई है कि जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेज किया जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि उनको सिर्फ होम गेम्स खेलने चाहिए और अगर उनकी टीम प्लेऑफ तक पहुंचती है तो खेलना चाहिए, बहुत ज्यादा ट्रैवल उनको नहीं करना चाहिए। हालांकि फिलहाल जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर अपडेट यह है कि उन्होंने NCA में अपने पूरे रनअप के साथ गेंदबाजी करना स्टार्ट कर दी है, और चूंकि तकरीबन एक महीना IPL शुरू होने में अभी है तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जसप्रीत बुमराह हमें मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए जरूर दिखाई देंगे। लेकिन क्योंकि हमें वर्ल्ड कप के पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी खेलनी है और उसके बाद वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर काफी सारी बात कही जा रही है। बट आई पर्सनली डू नॉट थिंक कि अगर वो फिट होते हैं तो वो एक मैच भी मुंबई इंडियंस के लिए बाहर बैठेंगे। मेरे ख्याल में अगर वो फुल फिटनेस अचीव करते हैं और IPL के दौरान फुल फिटनेस पे रहते हैं तो फिर वो हमें पूरे 14 लीग मैचेस खेलते हुए कम से कम जरूर दिखाई देंगे। हालांकि अगर उनकी फिटनेस में कुछ ऊंच नीच होती है तो BCCI उसे कैसे मैनेज करती है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जो अपडेट निकल करके आई है, जो तस्वीरें निकल करके आई हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि जसप्रीत बुमराह IPL 2023 से पहले फुल फिटनेस जरूर अचीव कर लेंगे। उसके अलावा IPL 2022 के मेगा ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने दीपक चहर को 14 करोड़ की रकम में खरीदा था, लेकिन वो पूरा सीजन इंजरी की वजह से नहीं खेले। उसके बाद दो बार उन्होंने भारतीय टीम में वापसी करने की कोशिश की और दोनों बार इंजरी की वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ा, और अब उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात को कहा है कि वो भारतीय टीम में एक बार फिर से अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं और इसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं IPL 2023 में। उन्होंने बताया कि उन्होंने पिछले 3 सीजन में IPL की पहली गेंद फेंकी है और इस सीजन भी वो उसी तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच ही हमें पहला मैच खेला जाता हुआ दिखाई देगा। तो दीपक चहर ने ऐसा बताया है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत अपनी फिटनेस पर कर रहे हैं और IPL 2023 की शुरुआत करते हुए वो हमें दिखाई देंगे। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि मुकेश चौधरी ऑलरेडी एक लेफ्ट आर्म सीमर उनके पास है और दीपक चहर नए बॉल से जिस तरीके से गेंदबाजी करेंगे उस पर चेन्नई सुपर किंग्स की किस्मत और मैचेस के रिजल्ट काफी ज्यादा डिपेंड करेंगे, और साथ ही वो उनकी बल्लेबाजी को भी थोड़ा सा लंबा करते हैं। तो CSK के फैंस के लिए दीपक चहर ने ये खुशखबरी दी है कि IPL 2023 से पहले वो अपनी फुल फिटनेस जरूर अचीव करेंगे। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के अलावा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी अपने लीड गेंदबाज जॉश हेजलवुड की फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन जहां ये दो IPL की बड़े फ्रेंचाइजी काफी ज्यादा होपफुल है कि उनके लीड तेज गेंदबाज पूरी तरीके से मैच फिट हो जाएंगे, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए केस यहां पर थोड़ा सा परेशानी वाला है, बिकॉज अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच उसमें ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि जॉश हेजलवुड आपके पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे, बट अब वो ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए हैं और क्या वो IPL के लिए फिट होंगे 2 अप्रैल को जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को अपना पहला मैच खेलना है, इसके इम्कान इस समय बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी खबरें मार्केट में फ्लोट अराउंड कर रही हैं कि शायद शुरुआत के कुछ मैचेस जॉश हेजलवुड अवेलेबल ना हो, हालांकि उनकी गैर मौजूदगी में रीस टोपली का एक ऑप्शन जरूर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास, लेकिन क्या रीस टोपली उस दर्जे
के गेंदबाज हैं, हालांकि उन्हीं की तरह ऊंचे कद के हैं, T20 क्रिकेट का एक्सपीरियंस भी लगते हैं, लेफ्ट आर्म एंगल वो लेकर के आते हैं, बट जॉश हेजलवुड ने जिस तरीके का प्रदर्शन दिया चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और पिछले साल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, उसको लेकर के आरसीबी की उम्मीदें जॉश हेजलवुड से बहुत ज्यादा थी। हालांकि इस मामले में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, चाहे आप बुमराह की बात करो, हेजलवुड की बात करो या फिर दीपक चहर की, कि इनकी फिटनेस का क्या स्टेटस है, बिकॉज अभी भी एक महीने का समय बचा हुआ है एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन चेंज इन वन मंथ। लेकिन जहां दीपक चहर और बुमराह को लेकर के कुछ पॉजिटिव न्यूज है, वही जॉश हेजलवुड पर अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो खिलाड़ियों के फिटनेस और इंजरी अपडेट्स आपको लगातार इसी तरीके से इस चैनल पर देखने को मिलेंगी, और जैसे जैसे ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारे पास आएंगे और जो खिलाड़ी रूल्ड आउट हो चुके हैं उनके रिप्लेसमेंट हमें पता चलेंगे, वो भी आपके साथ मैं इस चैनल पर शेयर करूंगा। उसके बाद हम उसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और आपको मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। तो आपका जो ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, बिकॉज दोनों तरफ से एक्सचेंज होना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, मेरा काम पसंद आ रहा हो देन मेक श्योर क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि हम इस चैनल पर लगातार नई नई चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं टू गिव यू गाइस कंटेंट दैट यू डिजर्व। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.